नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज हम पादप विज्ञान को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। पहले तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी साथी हमारे परिवार में लाइव जुड़ते हैं ना आकर के सेशन को देखते हैं, कोई भी सिंगल भी कमेंट नहीं करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुने मेरे प्यारे मित्रों, सिंगल भी कमेंट आपको नहीं करना है। अंत में आपको जो भी मुझे तोहफा देना है ना, तो मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफा है कि सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना, ठीक है ना। इससे अच्छा मेरे लिए मैं मानता नहीं हूँ सर कोई भी तोहफा हो। मेरा मतलब है कि मैं अपने प्यारे मित्रों को बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दे करके अच्छा सा अच्छा समझाने की कोशिश करूं। ये काम तभी हो सकता है कि जितने हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं, जितने भी हमारे परिवार में साथी लाइव जुड़ते हैं, वो कमेंट न करके मेरे प्यारे मित्रों टॉपिक पर ध्यान दें, पूरा का पूरा इसे लैंडस्केप करें, स्क्रीन को मोबाइल को बिल्कुल लैंडस्केप करें। आपको किसी भी कमेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर मैं जानता हूँ ये टॉपिक इतना टफ है थोड़ा, क्योंकि पादप विज्ञान आपने कभी पढ़ा नहीं है, रटा होगा बट समझा नहीं है। आज मैं इतनी सारी रोचक जानकारियाँ आपको सिखाऊंगा, तो मेरा एक निवेदन है आपसे सभी साथियों से, कोई भी कमेंट सिंगल नहीं करेगा, सारे के सारे लैंडस्केप में मेरे प्यारे मित्रों आराम से सेशन का आनंद लेंगे, आनंद की प्राप्ति करेंगे। अंत में मैं आपको एक मिनट का समय दूंगा, मेरे लिए कोई भी कमेंट आपको प्यारा करना है तो तभी करना है, ठीक है ना। इतनी बात डन है ना मेरे प्यारे मित्रों। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये मैं ड्रॉ पूरा का पूरा फिगर जब तक पादप जगत पढ़ाऊंगा, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। आइए सर, दो प्रकार का पादप जगत हमने पढ़ा था। एक तो हमने अच्छे से क्रिप्टोगेमिया कहते हैं, जिसे हम अपुष्पीय पादप कहते हैं। दूसरा हम फेनेरोगेमिया कहते हैं, जिसे हम पुष्पीय पादप कहते हैं। अपुष्पीय पादप को हमने तीन भागों में बांट करके पढ़ा था, एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। थैलोफाइटा को भी हमने चार रूपों में पढ़ा था, एक है बैक्टीरिया, दूसरा है एल्गी, तीसरा फंगाई, चौथा है मेरे प्यारे मित्रों लाइकेन। ये हमने अच्छे से पूरा अपुष्पीय पादप पढ़ लिया। ये देखिए, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट में ज्यादा ध्यान देते हैं, आप टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर यही सवाल घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मैं इतनी मेहनत आपके लिए करता हूँ, तो मेरा एक निवेदन प्लीज मान लेना कि आप टॉपिक पर ध्यान दें। आज मैं मजबूर कर दूंगा आपको इस सेशन को 10 बार देखने के लिए, देखना अंत में एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है ना। पूरा सेशन देखना है, वीडियो का आनंद लैंडस्केप स्क्रीन पर लेना है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत डिटेल से मैं इस सेशन को चर्चा करूंगा, लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत खगाल खगाल करके चीजें आपके लिए लाई जाती हैं। पुष्पी पादप चल रहा था सर, इसमें तो हमने अपने मित्रों को बेसिक जानकारियां कल सिखाई थी, ठीक है ना। इसमें हमने कहां पर छोड़ा था उससे आगे लेकर के चलेंगे। उससे पहले हम बताएंगे कि फेनेरोगेमिया भी दो प्रकार से होता है सर। एक तो हमें नग्न दिखता है, उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। दूसरा सर ढका होता है, उसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है सर। एंजियोस्पर्म जो भी बीज गुरुदेव ढके होते हैं ना, उनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम मोनोकॉट कहते हैं सर, जिसका कोई भी बीज का खंडन नहीं होता है, उसे हम मोनोकॉट कहते हैं। एक बीज पत्री कहते हैं, जिस बीज का दो भागों में बट जाना होता है, उसे हम मेरे प्यारे मित्रों डाइकॉट कहते हैं, द्विबीज पत्री कहते हैं, ठीक है ना। कल हमने ये वाला फिगर पर आराम से मित्रों को चर्चा की थी। हमने आपको बताया था कि हम पूरा का पूरा जो भी पुष्पी पादप पढ़ेंगे, उसमें हम तीन चीजें को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। जड़ हमने बताई थी, अलग से जड़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, प्राइमरी रूट क्या होता है, सेकेंडरी रूट क्या होता है सर, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेम की बात करी, जिसे हम तना कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। फिर मैंने बताया था कि यदि आपने फ्लावर नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना मैंने कुछ पढ़ाया है। आज हम फ्लावर की वीडियो दिखाएंगे, तो सेशन को अंत तक देखना है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। इतनी आनंद की प्राप्ति हो जाए तो बाद में कमेंट कर देना, ठीक है।
आइए सर शुरू करते हैं। मैंने कल ये सारी चर्चा की थी, मैंने आपको यहाँ पर ला करके छोड़ा था मेरे प्यारे मित्रों कि जो पत्तियां हैं ना गुरुदेव, ये सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाती कैसे हैं। मेरी बात पर ध्यान दे मेरे प्यारे मित्रों, जिस ग्लूकोज को आप खाते हैं वो ग्लूकोज तो प्रॉपर तरीका से पत्तियां बनाती हैं सर। हमने की हाँ, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमने अपने मित्रों को रटा रखा है, C6H12। मेरा जैसा भी पेन चलता है मेरे प्यारे मित्रों, O6 होता है। मैंने एक रासायनिक क्रिया भी आपको समझाई थी। क्या समझाई थी? देखिए, पत्तियां CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और मेरे प्यारे मित्रों जल जिसे हम H2O कहते हैं, याद रख लेना, पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और मेरे प्यारे मित्रों जल के साथ सन की प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल के पास, क्योंकि पत्तियों में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल के पास मेरे प्यारे मित्रों CO2 और H2O सूर्य की प्रकाश में क्रिया कर करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, मैंने कल ये रिएक्शन बैलेंस करके सिखाई थी, आज मैं फिर आपको बता देता हूँ। देखिए, जब CO2 और H2O मिलते हैं तो C6H12O6 बनता है। बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आया था, क्यों नहीं आया था, मैं सिखाऊंगा। देखिए, बैलेंस करना बहुत सिंपल है रिएक्शन को मेरे प्यारे मित्रों। इधर कार्बन कितने दिख रहे हैं, इधर देखिए, मैं पेन को चेंज कर देता हूं, ठीक है, प्रॉपर तरीका से आनंद लीजिए चीजों का। इधर कार्बन 6 दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। हमने कहा जब कार्बन यहां पर 6 है तो हमने यहां पर भी 6 लगा दिया, ठीक है ना, कार्बन 6 हुए। जैसे ही यहां 6 लगाया तो कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहां पर, 12, याद रख लेना, क्योंकि 6 का मल्टीपल 2 के साथ होगा मेरे प्यारे मित्रों, और ऑक्सीजन ये लगा है, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। कार्बन तो बराबर कर लिए। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है मेरे प्यारे मित्रों, H12 है गुरुदेव, यहाँ हाइड्रोजन 12 है। हमने कहा इधर हाइड्रोजन कितना है जल वाले में, मेरे प्यारे साथियों यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो कितना हाइड्रोजन लगाना है 12 करने के लिए, सर 6 हाइड्रोजन और लगा दीजिए। हमने कहा जैसे ही हमने यहाँ 6 लगाया तो हाइड्रोजन तो 12 हो गया, लेकिन उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी 6 हो गए, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। अब बैलेंस करके देखो दोनों बराबर हुए कि नहीं। इधर मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, फिर मैं पेन चेंज कर देता हूं, आपको प्रॉपर तरीका से समझाने का काम कर रहा हूं। यदि ये प्रयास सफल हो जाएगा तो प्लीज थम्स अप कर देना, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए अंत में कर देना, मेरी आदत बन गई है वो तो, ठीक है। यहाँ कार्बन कितने हुए मेरे प्यारे मित्रों, 6 हुए, ठीक है। इधर भी कार्बन कितने हुए, 6 हुए दोनों जगह पर, देखिए, ठीक है गुरुदेव। यहाँ हाइड्रोजन इधर दाई साइड पर कितने हुए, इधर मैं दाया लिख दे रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इधर ये बाया लिख दे रहा हूँ, अब समझ में आएगा आपके। इधर दाएं में हाइड्रोजन कितने हैं गुरुदेव, 6H2 लिखा है तो इसका मतलब है 12 है। मैंने कहा इधर कितने हाइड्रोजन हैं, इधर भी 12 है, तो दाया और बाया में हाइड्रोजन भी बराबर हुए कि नहीं, बताइए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है गुरुदेव। 12 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 6 हो गए। मैंने कहा अब दाएं में देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, याद करिए सर, दाएं में ऑक्सीजन, यहाँ 6CO2 लिखा है ना, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 6 ऑक्सीजन है, तो 12 और 6 कितने ऑक्सीजन हुए, 18 ऑक्सीजन हो गए। दाई तरफ ऑक्सीजन 18 है, बाई तरफ ऑक्सीजन कितने हैं मेरे प्यारे मित्रों, देखिए सर बाई तरफ तो ऑक्सीजन सिर्फ 6 ही है, तो कम कितने हैं अभी बाई तरफ ऑक्सीजन, सर बाई तरफ अभी 12 ऑक्सीजन बाकी है। क्या मैं 12 ऑक्सीजन को मेरे प्यारे मित्रों 6O2 नहीं लिख सकता हूं, बताइए थम्स अप करिए, 6O2 लिख सकता हूं, क्योंकि 6O2 का मतलब है 6 का मल्टीपल 2 के साथ हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन 12 है, याद आया कि नहीं। ये रिएक्शन आप बार बार देखिए तब आनंद की प्राप्ति होगी। पत्तियों ने क्या काम किया कि मेरे प्यारे मित्रों, पत्तियों ने कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर के सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल के पास ग्लूकोज का तो निर्माण कर दिया। देखिए यही ग्लूकोज का फॉर्मूला बना।
अब आप बहुत सारे विद्वान साथी कह रहे होंगे सर यहाँ सिक्स क्यों लिया। मैंने कहा एक मॉलिक्यूल की बात नहीं, कितना भी ले सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। यहाँ ग्लूकोज तो बन गया बट पत्तियों ने रिलीज क्या कर दिया, पत्तियों ने रिलीज ऑक्सीजन को कर दिया। याद करिए मित्रों, आप कहेंगे सर गजब बात कर दी आपने, तो हम तो सर पूरा दोपहर ही में, जिसे हम दोपहर कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, धूप में रहते रहते काले तक पड़ गए सर, हम क्यों भोजन नहीं बना पाए। मुद्दा समझिए मेरे प्यारे मित्रों, आज ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा आपको कि वाकई में आप बाबा के कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल बनने लगा, सर इसमें कौन सा तगड़ा काम कर दिया पत्ती ने, सर इसने ग्लूकोज बना तो कैसे दिया, हम तो सर प्रॉपर तरीका से ये धूप में रहता है ना पत्ती, तो हम भी तो गुरुदेव धूप में रहते हैं, यहाँ तक सर धूप में रहते रहते काले तक तो पड़ गए गुरुदेव, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है ना सर, हम तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं सर, और हम तो सर ये जल लेती है, हम रोजाना दो ग्लास नहीं सर हम 2 लीटर जल पीते हैं। बताइए माइंड में सवाल बनना है कि नहीं आपके मेरे प्यारे मित्रों। देखिए आप किताबी ज्ञान कितना भी ले सकते हैं, ये चीजें मुद्दे की कोई नहीं समझाएगा। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, अब वाकई में आपके समझ आया होगा, पत्ती ने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, पत्ती ने जल लिया था, और मेरे प्यारे मित्रों सन के प्रकाश में क्लोरोफिल के पास ग्लूकोज बना दिया। अरे भैया हमने भी तो कार्बन डाई बहुत सारी ली थी, देखिए हम जब श्वास लेते हैं तो बहुत सारी गैसें अंदर जाती हैं कि नहीं, हाँ सर जाती हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो हमने भी कार्बन डाई ली थी, हम तो रोजाना जल पीते हैं सर, और सर हम भी तो धूप में रहते हैं, जो पत्ती काम करती है वो तो हम ही काम करते हैं, तो पत्ती ने ग्लूकोज बना लिया, हमने ग्लूकोज बना क्यों नहीं पाया सर, है मुद्दे की बात की नहीं मेरे प्यारे मित्रों। आइए मैं समझाता हूँ, इसी वजह से एक विशिष्ट गुण पाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों, पत्तियों में एक विशिष्ट गुण ही यही पाया जाता है, ये बर्डक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, समझ लेना, तभी तो पत्तियों को मेरे प्यारे मित्रों ऑटोट्रॉप कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, स्वयं भोजन बना लेती हैं। इसी वजह से यदि हमारे पास भी ये बर्डक पाया जाता तो हम भी मेरे प्यारे मित्रों ग्लूकोज बना लेते, हम भी एक विशाल वृक्ष की तरीका से होते, हम भी ऑटोट्रॉप कहलाते। हम क्यों परपोषी हैं, हम दूसरों पर क्यों आश्रित हैं, इसी वजह से तो हम परपोषी कहलाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। मुद्दा समझ में आया कि नहीं, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं था, हमारे पास कार्बन डाई थी, हमारे पास जल था, हमारे पास धूप बहुत थी, हम काले भी पड़ गए थे, बट हमारे पास ये जो बर्डक पत्तियों में पाया जा रहा है ना, जिसे हम हरित लवक कहते हैं सर, जो क्लोरोफिल कहते हैं, ये हमारे पास नहीं था। मुद्दे की बात समझ में आई कि नहीं, यही पत्तियां देखिए ग्लूकोज बना लेती हैं, ग्लूकोज को तो ये स्टोर कर लेती हैं। सवाल बना सर, मेरी बात सुनिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए, ज्ञान कहां से आता है, ये बात समझने का मुद्दा बहुत बड़ा है मेरे प्यारे मित्रों। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या फोटोसिंथेसिस अंधेरे में होता है, यस या नो आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों, मैं पूछूं उसी का आंसर देना है। वन सेकेंड मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बात सुने ध्यान से, क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया अंधेरे में होती है या नहीं होती है, ठीक है आंसर दें। सर नहीं होती है, क्यों नहीं होती है गुरुदेव। मैंने कहा देखिए सूर्य का प्रकाश तो दिन में पड़ेगा सर, अंधेरे में क्यों पड़ेगा, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधे जितने भी करेंगे वो सूर्य के प्रकाश में करेंगे। यही सिंपल से सवाल आते हैं, आप गलत कर आते हैं, ध्यान से समझे मेरे, द्वारा देखें, वीडियो रिकॉर्ड हो गया, मैं बार बार बोलूंगा, इसी वजह से सेशन लंबा होता है। दूसरा सवाल सुने, क्या पौधे अंधेरे में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आंसर दे मेरे प्यारे मित्रों, क्या पौधे अंधेरे में भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने पूरी रिएक्शन लिख दी है यहाँ पर, आंसर दे मेरे प्यारे मित्रों।
देखिए तो आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि सर जब सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाई और जल मिलेंगे ना तभी तो ग्लूकोज ये बनाएंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो ये काम तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए कब होगा, ऑक्सीजन छोड़ते मेरे प्यारे में कब होगा, दिन में होगा, अंधेरे में बिल्कुल नहीं होगा, देख लेना मेरे प्यारे मित्रों। हाँ ये बात जरूर है, क्या बात जरूर है, आंसर समझे, एक और सवाल का आंसर दें चलिए ठीक है। क्या पौधे भी ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, क्या ग्लूकोज को भी यूज करते हैं? जो पौधों ने मेरे प्यारे मित्रों अभी ग्लूकोज बनाया है ना, ये देखिए ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, जो ये ग्लूकोज बनाया है पौधों ने, ये ग्लूकोज क्या पौधे खुद खाते हैं, क्या खुद कंज्यूम करते हैं, क्या नहीं करते हैं? आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों, आंसर दें, क्योंकि ये ग्लूकोज तो आप खाते हैं, पत्तियों को लाते हैं और आराम से आप भोजन करते हैं ना, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों, आंसर दें। तभी तो कहते हैं कि आपको पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, क्योंकि भैया रात में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती नहीं है, याद कर लेना, क्योंकि सर जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी तभी पौधा ग्लूकोज स्टोर करता रहेगा, ऑक्सीजन छोड़ता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अब मुद्दे की बात समझ में आई। तो आंसर मैंने पूछा था क्या पौधे ग्लूकोज को भी कंज्यूम करते हैं, इसका आंसर होगा जी हाँ करते हैं। एक उदाहरण समझिए, एक हलवाई होता है मेरे प्यारे मित्रों, वो हलवाई बहुत सारा भोजन बनाता है, बहुत सारी मिठाइयां बनाता है मेरे प्यारे मित्रों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हलवाई मिठाई नहीं खाएगा, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। इसी तरीका से यदि पौधे भोजन बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन वो पौधे भोजन नहीं करेंगे। बात समझ में आई हो तो वाह वाह के कमेंट आ जाने चाहिए मेरे प्यारे साथियों। समझ में आया हलवाई वाला उदाहरण कि नहीं? इसका मतलब पौधे ग्लूकोज बनाते तो है आपके लिए, हमारे लिए मेरे प्यारे मित्रों, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि पौधे ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि सर हलवाई जो है मिठाई बनाता तो है लेकिन खाता भी है, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, हलवाई खाता है, इसी तरीका से पौधे भी बनाते तो हैं ग्लूकोज, खाते भी हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। ये मैंने मुद्दे की बात समझाई कि नहीं? पौधे श्वसन कैसे करते हैं ये भी एक बात बहुत बड़ी होती है सर, इसे भी मैं आपको समझा देता बट आपके ऊपर से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी बार फिर समझा देंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत सारा लंबा सेशन कर दिया है। आइए सर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में चल रहे थे, उससे पहले हम एक बड़क की बात करेंगे जहां क्लोरोफिल पाया जाता है ना सर, ये बहुत ही तगड़ा काम है। तो मैंने सभी मित्रों को जब मैंने कोशिका पढ़ाई थी तब बताया था, सबसे बड़ा कोशिकांग होता है सर ये लवक जो होता है, यही एक विशिष्ट गुण है, नहीं तो हम भी बना लेते ग्लूकोज सर। ये तीन प्रकार का होता है, हरित लवक होता है, देखिए यही तो क्लोरोप्लास्ट है, भोजन का निर्माण करने में मदद करता है, याद कर ले, रट ले मेरे प्यारे मित्रों ये सवाल आता है। एक दूसरा अवर्णित लवक होता है जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। अब देखिए एक बात समझिए, आप चीजें रिलेट करें, पत्तियां भोजन बनाती हैं सर क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में होती हैं, तो जब पत्तियां भोजन बनाती हैं, आपने अभी पढ़ा था सर सूर्य का प्रकाश हो वहां क्लोरोफिल भी होना चाहिए, तो ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों पर पाया जाएगा, जहां भोजन बनेगा वहां पाया जाएगा, मेरी बात समझना। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है सर? ये भोजन को स्टोर करता है। तो मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया था जो फ्लोयम होता है वो पत्तियों ने जो ग्लूकोज बनाया है वो ले जा करके किनको देता है? जड़ों को देता है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? जड़ों में पाया जाता है, भोजन का संचय मेरे प्यारे मित्रों ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है ना सर। ये क्रोमोप्लास्ट होता है जो रंग देने का काम करता है, पत्ती कैसे लाल होती हैं, कैसे हरी होती हैं, ये सर जो भोजन का संचय करता है ना ल्यूकोप्लास्ट, ये भी कई प्रकार का होता है, मैंने बताया था ये सब डिटेल में पढ़ाया था मैंने। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? भोजन का निर्माण करता है,
और सर ये लीकोप्लास्ट क्या होता है? ये सर जड़ या भूमिगत में होता है क्योंकि भोजन को स्टोर करता है। ये भी तीन प्रकार का होता है, मैंने बताया कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों? देखिए क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ होगा? पत्तियों में होगा, याद कर लेना। ल्यूकोप्लास्ट मेरे प्यारे मित्रों, और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, अंतर देखिए, यही तो डाउट का मुद्दा है। क्रोमो का मतलब है ये रंग देगा, ये हरा दिख रहा है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से याद करिए क्लोरोप्लास्ट, ये सर पत्तियों में होता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है भोजन को, स्टार्च को एमिलोप्लास्ट में करता है, वसा को एलियोलोप्लास्ट में करता है, प्रोटीन को मेरे प्यारे मित्रों प्रोटीनोप्लास्ट में करता है, ठीक है ना? ये सारा का सारा ज्ञान मैंने पढ़ाया था। आइए मेरे प्यारे मित्रों, मैं बात करूंगा किसकी? एंजियोस्पर्म की और जिम्नोस्पर्म की, याद कर लेना। एनजीओ बोले तो मेरे प्यारे मित्रों, ये सर एंजियोस्पर्म जो भी होते हैं ना गुरुदेव, इनका बीज ढका होता है। ये एप्पल का देखिए सेब है पूरा का पूरा, इसको देखिए, ये वाला जो सीड दिख रहा है ना आपको मेरे प्यारे मित्रों, ये जो बीज दिख रहा है इसके ऊपर बिल्कुल तरीके से गूदा बन चुका है, जिसे हम पल्प कहते हैं। ये सर पल्प है ना, जिसे हम खाते हैं। आज एक तगड़ा काम सीखिए मेरे प्यारे मित्रों, जब आपने कभी सेब खाया हो, आपने कभी आम खाया हो, तो आपने देखा होगा, आम तो खाया होगा, सेब भी खाया है मेरे प्यारे मित्रों, आम का गूदा हम खा लेते हैं, वो क्या था सर, कभी सोचा है? वो मेरे प्यारे मित्रों, उसने पौधे ने मेरे प्यारे साथियों, आराम से अपने बीज के लिए, अपनी संतान के लिए भोजन का निर्माण कर दिया था, याद कर लेना। जिस तरीका से ह्यूमन बॉडी में पिताजी माताजी अपनी संतान के लिए बहुत सारा काम करते हैं, इसी तरीका से मेरे प्यारे मित्रों, ये सेब जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर जो पल्प दिख रहा है आपको, ये जो गूदा दिख रहा है, ये सेब ने अपने बच्चे के लिए, जिसे हम सीड कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, उसके लिए ये पल्प गूदा बना करके तैयार कर दिया था कि हमारा बालक बड़ा हो जाएगा। बट आप जैसे विद्वान साथी सेब को लाए, खा लिए, बीज को फेंक दिया, आम लाए, गूदा खा लिया, बीज को फेंक दिया, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। अब आपके माइंड में सवाल बनने लगा, सर फिर एक बात बताओ, हमने की जी हाँ पूछिए, कि सर ये बीज फिर अंकुरित हो कैसे जाता है सर, क्योंकि ये बीज बढ़ कैसे रहता? देखिए ये छोटा सा बीज होगा, इमेज करिए मेरे प्यारे मित्रों, जब आप आम को इमेज करना पहले, ठीक है, आम का जो बीज है वो छोटा सा था पहले, बड़ा होता गया पल्प बनता गया, बड़ा होता गया पल्प बनता गया, इसका मतलब समझ आया सर कि वाकई में जो पल्प बनाया है ये पौधे ने अपने बालक को ग्रो करने के लिए बनाया है। सर आप खरीद लाए, आपने खा लिया, आपने फेंक दिया, होता क्या है मेरे प्यारे मित्रों, एक एक चीज को समझना, अंत में वीडियो दिखाऊंगा, देखना। आपने बीज को फेंक दिया तो कभी बीज अंकुरित भी हो जाता है, कभी बीज नहीं अंकुरित होता है। इसका मतलब है कि जमीन में भी बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं, न्यूट्रिशन चीजें पाई जाती हैं मेरे प्यारे साथियों, यही मुद्दा है, याद कर लेना। जो पल्प में था मिनरल थे ना सर, पल्प में क्या होगा? मिनरल। जैसे ही बीज आपने फेंका, जमीन के अंदर गया, तो जमीन में बहुत सारी न्यूट्रिशन चीजें थी मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी मिनरल चीजें थी, जैसे ही जमीन से मिली, पौधा फिर अंकुरित होने लगा, क्योंकि वही चीजें सारी मिल गई ना। मेरी बात समझ में आया मेरे प्यारे मित्रों? ये देखिए, अब ये बीज ढका है तो इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं सर। ये भी दो प्रकार से थे, पढ़ाएंगे अभी। इधर सर ये जिम्नोस्पर्म का मतलब है, यहाँ बीज बिल्कुल नग्न दिख रहे हैं, ठीक है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आगे हम दिखाते हैं एंजियोस्पर्म होता कैसे है। इस फोटो को ध्यान से देखें, ये जो पत्तियां है ना सर, ये वाला जो येलो कलर का दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ये येलो कलर के अंदर क्या है सर? यहाँ एक बीज है। बीज बोले तो जिस तरीका से महिला के गर्भ में बालक का निर्माण होता है, मेरी एक एक बात को, अब इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि मैं पुष्प पर आने वाला हूँ धीमे धीमे, ठीक है। देखिए यही मुद्दे अभी समझ में आएंगे आपको, मेरा यदि सारी चीजें माने तो कमेंट तो बिल्कुल नहीं करना है, अंत में करना है, ध्यान से फोकस चीजें करें, द्वारा देखें।
देखिए मेरे प्यारे मित्रों, यह सेक्सुअल काम होने के बाद यह बीज का निर्माण हुआ है और ये प्रॉपर तरीका से इसमें बीज आराम से बड़ा हो रहा है। जिस तरीका से महिला के गर्भ में मेरे प्यारे मित्रों बालक आराम से धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, मानव विकास का निर्माण भी पूछा जाता है शुरुआत कहाँ से होता है, तो गर्भाशय से होता है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, जब बीज बड़ा होने लगता है तो ये जो ऊपर येलो येलो कलर की और ये वाली जो व्हाइट कलर की है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये वाली जो व्हाइट पत्तियां दिख रही हैं, ये गिरने लगती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखा है कि नहीं ऐसा? हाँ सर बिल्कुल देखा है मैंने, कहा ये पहले पत्तियों से ढका होता है इसी वजह से, तो देखिए बीज ढका है कि नहीं, इसी वजह से इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। सर एक बात बताओ हमने की, हाँ पूछिए। ये सर नग्न होते हैं तो इन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इतनी बात तो हम रोजाना बता सके हैं, ठीक है। अंतर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये सब लिख दिया है, जो मैंने बोला है वो मैंने लिख करके दिया है। ये पौधों द्वारा किया जाता है, अनावर्त बीज जो होते हैं ना जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले, ये सदाबहार एवरग्रीन होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये बेसिक से अंतर है, इनकी पत्तियां स्केल लाइक मतलब एक सुई की तरीका से होती हैं। ये प्रजनन हवा पर निर्भर करता है, ये मुद्दे की बात है सर। सर प्रजनन बोले तो निषेचन की क्रिया, निषेचन बोले तो गुरुदेव। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सेक्सुअल का काम इनका प्रजनन पर निर्भर, हवा पर निर्भर करता है। अब तो बहुत सारे लोगों के फेस उड़ने लगे, सर हवा से सेक्सुअल काम होने लगता है? हमने कहा जी हाँ, सिखाएंगे अभी, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों थोड़ा धैर्य रखना है आपको, ठीक है। पुष्प आने वाला है। आवर्त बीजी बोले तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए, इनका बीज उत्पादन फूलों के पौधों द्वारा किया जाता है, यहाँ एक अंडाशय के भीतर संपन्न होता है, अभी दिखाया था। ये भैया देखिए, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं मेरे प्यारे मित्रों वो मौसमी होते हैं। गेहूं अपने मौसम से होता है मेरे प्यारे मित्रों, मक्का अपने मौसम से होती है, ये सदाबहार बन तो वो होते हैं जो नग्न बीज वाले हैं। इनमें ट्रेप्लोलाइड ऊतक होता है, याद कर लेना। पत्तियां आकार में सपाट होती हैं। प्रजनन जानवरों पर निर्भर करता है, ये मुद्दा प्रजनन वाला बहुत लोगों को फेस उड़ा रहा है सर। सर अनावर्त बीजी में तो ये हवा पर निर्भर करता है सेक्सुअल काम, ये सर जो प्रजनन है ना, ये जो इसमें आवृत बीजी में सर जानवरों पर निर्भर करता है। पौधे की बात कर रहे हैं गुरुदेव, जानवर सेक्सुअल काम करेंगे, ये कौन सा मुद्दा है सर? हमने कहा हाँ थोड़ा धैर्य रखिए सर, सिखाएंगे अभी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों, मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म जो बीज ढका होता है वो भी दो रूपों में बटा होता है सर, मोनोकॉट और डाइकॉट। सर एक बात बताओ हमने कि हाँ पूछिए मेरे प्यारे मित्रों, कि हमने तो चलो हमने आम का तो पौधा देखा है सर, ठीक है, इसे तो हम बता देंगे सर हमने आम का बचपन में खूब गुठली तोड़ी है सर, तो हम बता देंगे सर हाँ इसके बीज के दो टुकड़े हो जाते हैं, तो हम इसे बता देंगे सर ये द्विबीजपत्री है। फिर सर ऐसे भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिसका तो हमने बीज देखा ही नहीं है सर कभी, बताइए, थम्स अप करिए मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर ये मुद्दे की बात है, हमने कहा ऐसे आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे जिनकी पत्तियां देखी हैं, जिनके फूल देखे हैं मेरे प्यारे मित्रों, बट आपने बीज कभी नहीं देखा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि सर ये एक बीज पत्री है, क्या सर ये द्विबीज पत्री है? आइए गुरुदेव हम आपको मेरे प्यारे मित्रों सिखा देते हैं कैसे अलग अलग इसका डिवाइड करते हैं, ठीक है। पत्तियों के आधार पर हम बता सकते हैं कौन सा एक बीज पत्री कहलाता है, कौन सा द्विबीज पत्री कहलाता है सर। आइए मेरे प्यारे मित्रों इस फिगर को जरा ध्यान से देखें, देखिए कंटेंट को देखिए पहले, इतना तो आप 10,000 फीस देंगे मेरा वायदा है कोई पढ़ा दे सर, बट ये है कि मेरा परिवार अभी छोटा है, मैं बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करता हूँ, आप लोग मेरे साथ मेहनत नहीं करते जितना मैं आपके साथ मेहनत करता हूँ, ये बात पक्की है सर। देखिए मोनोकॉट किसे कहते हैं सर मेरे प्यारे मित्रों, ये दिख रहा हो फिगर आराम से, ये सर जो मोनोकोटिलेडोन होते हैं मेरे प्यारे मित्रों और डाइकोटिलेडोन होते हैं, इन्हें समझ लेना ध्यान से। देखिए ये जो दिख रहा है ना सफेद सफेद सा इस बीज के बीच में, ये देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर किया है, ये जो डाइकोट होते हैं वो दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं,
ये टू कॉटिलेडॉन होते हैं। जैसे आम की गुठली तो प्रॉपर तोड़ी है हमारे मित्रों ने, दो भागों में डिवाइड आराम से हो जाती है। चावल का बीज लीजिए सर, चावल का दाना लेंगे वो टूटेगा नहीं, इसे वन कॉटिलेडॉन कहते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। देखिए किसी भी पौधे को देख करके उसकी पत्तियों से हम बता सकते हैं कि एक बीज पत्री है कि द्वि बीज पत्री है। सर ये तो तगड़ा काम सीख जाएंगे फिर हम। हमने कहा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली पत्ती जो दिख रही है ना आपको, हाँ सर, इसका मतलब देखिए मेरी कला तो बहुत सारी बेकार है सर, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बना नहीं पाऊंगा इसे, मैं वाकई में मेरी कला बहुत, आप समझ चुके हैं। यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से ही पत्तियां प्रॉपर तरीके से, देखिए इसकी सिरा जो है, इसकी जो बेनस है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ सीधे के सीधे समानांतर चलती हैं। ये पत्ती दिख रही है ना आपको, हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। ये पत्ती जैसे अभी बाजरा चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो बाजरा की पत्ती देखिए जाकर के, सुबह जाकर के मेरे प्यारे मित्रों, ये एक बीज पत्री है मेरे प्यारे साथियों। मुद्दा समझ लेना, बाजरे के दाने के दो टुकड़े नहीं होते हैं, देखा है कि नहीं, ये एंजियोस्पर्म तो है। अब बहुत सारे विद्वान साथी कहने लगे सर पगला गए आप, बाजरा के दाने दिखते हैं गुरुदेव, आपने नहीं देखा है। हमने कहा भैया हमने बाजरा देखा है, बाजरा काटा है, सब काम किए सर मेरे प्यारे मित्रों। आपने देखा हो तो बाजरा का जो है ना दाना, पहले वो फूल से ढका होता है, फूल हटने लगता है, वही तो मैंने अभी सिखाया था, ये बीज आराम से पल रहा है, जब पक जाएगा ना तो हट जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ये बाजरा की पत्ती है, तो ऐसा पत्ती को जरा गौर से देखना, ये समानांतर सिरा विन्यास है। देखिए आप प्रैक्टिकल करा करें, आप रोजाना खेत पर जाते हैं तो बाजरे को देख लेना कितना काम लगेगा। आपने उसी जगह पर किसी आम की पत्ती को देखा हो मेरे प्यारे मित्रों, वो इस तरीका से होगा कि एक तो बीच में पहले भैया मेन लाइन होगी, मेन शाखा होगी, उससे फिर अलग अलग ये शाखाएं निकलने लगेगी। बताइए थम्सअप करिए मेरे प्यारे मित्रों, समझ आ रहा है कि नहीं सारी चीजें। देखिए तो द्विबीजपत्री बता सकते हैं, पत्ती को देख करके ये पत्ती जो दिख जाएगी तो द्विबीजपत्री कहलाएगी, ऐसी पत्ती समानांतर दिख जाएगी उसे एक बीजपत्री कहते हैं। सर वेस्कुलर बंडल क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, हाँ ये तगड़ा काम है मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर देखिए एक बीजपत्री में मेरे प्यारे मित्रों ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये समानांतर नहीं बैठे हैं, ऐसा लग रहा है ये कोई समझदार लोग नहीं है। यहां पर देखिए द्विबीजपत्री में मेरे प्यारे मित्रों ऐसा लग रहा है कि जो वास्कुलर बंडल है सर, इसमें ये लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि ये क्रम में बैठे हुए हैं। अब तो बहुत सारे लोगों के माइंड में आने लगा, सर पहले तो ये बताओ कि वास्कुलर बंडल होता क्या है। हमने कहा चलो बताते हैं। आपने कभी आम का पेड़ देखा है, मैं तो आम का ही उदाहरण लेता हूँ, अब क्योंकि आम सबने देखा है। आम की मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलूंगा मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि आपको मैं बायोलॉजी की भाषा बोल दूंगा समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। आपने कभी पिंडी देखी आम की, अरे सर गजब बात कर दी, देखिए ना मैंने कभी, आपने जिसे हम लकड़हारा कहते हैं, तो आपने कभी उससे क्या बोलते हैं सर, उसका नाम तो मुझे भी याद नहीं है, क्या बोलते हैं सर काटने वाली को, आरी बोल दीजिए सर, कुछ भी बोल दीजिए ठीक है, उससे जब पिंडी को काट रहा हो ना गुरुदेव, तब आप देखना। हमने कि क्या देखें, कि सर मेरे प्यारे मित्र देखिए मैंने यह पिंडी बनाई है, मेरी इमेज करना, मैं कितनी व्यवहारिक चीजें आपको समझा रहा हूं। इस पिंडी को मैंने आरी लगा करके यहां से काट दिया है, अब इस पिंडी को जो कटा है ना, वो जो भाग अंदर से निकला है जो व्हाइट व्हाइट कलर का सर, उसे देखिए, उसे हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। क्या मुद्दा समझ में आया, आइए सर मैं अभी समझा दूंगा, एक मिनट रुकना, ये आपको व्यवस्थित क्रम नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए सर मैं आगे सिखाता हूं, वन सेकेंड। ये वाला देखिए मैं लेकर के आया हूं एक एक फोटो, यही वो पिंडी है जो काट करके अलग की है, इसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मुद्दे की चीजें आज मजा आ जाएगा, ये जो पिंडी है मेरे प्यारे मित्रों मैंने आरी से चला करके अलग कर दी है, ये जो दिख रहा है ना, देखिए इमेज करिए, एक आम की पिंडी है मैंने काट दी है बीच से मेरे प्यारे मित्रों, अब वो जो अंदर भाग निकला है ना उसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, अनुप्रस्थ कट कहते हैं।
जब पिंडी को मेरे प्यारे मित्रों इस तरीका से काटा जाए, देखिए ध्यान से, इस तरीका से काटा जाए, उसे हम वर्टिकल सेक्शन कहते हैं, वर्टिकल सेक्शन कहते हैं, अनुदैर्ध्य कट कहते हैं। इतना बात तो आप जानते होंगे, शायद ना जानते हो तो सीख लीजिए। ये मेरे प्यारे मित्रों पिंडी का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है सर, इसमें तगड़ा काम है। ये जो व्यवस्थित क्रम मैंने बताया था वास्कुलर बंडल का, ये कुछ भी नहीं है, ये जाइलम और फ्लोयम है। याद कर लेना, आज मुद्दे की चीजें समझ में आ जाए तो। मेरे प्यारे साथियों आज तो मजा आने वाला है, आज के सेशन में लंबा होता है, परिवार तसल्ली से चर्चा करता है। देखिए यहाँ जाइलम एंड फ्लोयम सर कैसे, मैंने कहा जाइलम और फ्लोयम बिल्कुल ही ऐसे बंधे होते हैं, उन्हें हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। अब मेरे प्यारे मित्रों पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए जाइलम अंदर होता है या बाहर होता है। सर जाइलम अंदर है, देखिए ध्यान से, जाइलम क्या ले जाता है, जल ले जाता है, फ्लोयम मेरे प्यारे मित्रों फल ले जाता है, ये बाहर होता है। अब बहुत सारे विद्वान लोग हमारे गलत कर देते हैं एग्जाम में, सर भूल जाते हैं, नहीं समझ आया। हमने कहा यार गजब बात कर दी, ये तो व्यवहारिक चीज है, आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए। देखिए पेड़ मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारे इंटेलिजेंट होते हैं, इन्होंने का क्या काम किया सर, इन्होंने जल को बचा करके, क्योंकि इन्होंने कहा सर यदि ये जाइलम बाहर होगा ना तो ये बहुत सारा जल वेस्ट होता जाएगा। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इसी वजह से इन्होंने एक तगड़ा काम कर रखा है कि जाइलम को अंदर रखा है, जिस वजह से मेरे प्यारे मित्रों जल वेस्ट ना हो जाए, जल कहीं बाहर ना निकल जाए। याद करने का तरीका सीखिए। पूछा जाता है कि जो वास्कुलर बंडल होते हैं उसमें जाइलम कहाँ होता है, ये बहुत डिटेल में ले जा रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों, फ्री में इतना ज्ञान तो आपको कोई पढ़ाएगा नहीं सर, पैसे देकर नहीं पढ़ाएगा, फ्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। जाइलम और फ्लोयम का जो झुंड होता है, जो झुंड होता है मेरे प्यारे मित्र, उसे हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। आया समझ में, उसमें जाइलम अंदर होता है, तो याद करेंगे कैसे, क्योंकि सर जाइलम इस वजह से अंदर होता है क्योंकि जल को वेस्ट नहीं करना चाहता है पेड़, ठीक है। फ्लोयम मेरे प्यारे मित्रों बाहर होता है, फ्लोयम फल ले जाता है। आइए उसी मुद्दे पर आगे बढ़े तो मेरे प्यारे मित्रों ये बात समझ में आई। अब देखिए पुष्प की बात आई, एक बीज पत्री में देखिए जाकर के, कोई भी आपको ऐसी तो पत्ती दिख जाए तो आप बता देना एक बीज पत्री है, इसका बीज का खंडन नहीं होगा। रिलेट करिए चीजों को, मन में सोचिए सर यहां पर जो फ्लावर की जो पार्ट है ना सर मेरे प्यारे मित्रों, वो थ्री मल्टीपल में होते हैं। थ्री मल्टीपल बोले सर तो ये समझ नहीं आया मैंने कि देखिए थ्री मतलब तीन उसमें होते हैं, जोड़े में होते हैं। देखिए यहाँ एक पत्ती ये दिख रही है, एक पत्ती ये दिख रही है, एक पत्ती ये दिख रही है, और ये हरे हरे नीचे तो ये वो लगे होते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। तीन के मल्टीपल में होता है, तीन के जोड़े में होता है। इधर डाइकॉट में देखा जाए तो पांच के जोड़े में होता है, चार या पांच के में, ज्यादातर पांच के में होता है। यदि मेरे प्यारे मित्रों देखिए जो भी मेरी एक बात समझिए ध्यान से, डाउट देखिए पीसीएस का ये एग्जाम लिखने जाएंगे तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत डाउट का बनता है। डाइकॉट में जो होता है ना, जहां पर तीन पत्तियां कभी कभी डाइकॉट में हो जाती हैं, जब तीन पत्तियां होंगी तो वो फिर एक बीज पत्री में तो चला जाएगा, तो वो सर एक बीज मतलब उसके खंडन नहीं होंगे। यहाँ चार या पांच के मल्टीपल में जहाँ फूल बनेगा, वहीं पर द्विबीजपत्री मतलब फूल को उसको बीज को दो भागों में डिवाइड हो सकता है वो, ठीक है ना। देखिए एक पत्ती दिखी, दूसरी दिखी, तीसरी दिखी, चौथी, पांच, यहाँ पांच के मल्टीपल में है, पांच के जोड़े में है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। आया समझ में कि नहीं, अभी फूल पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे। ये बात तो तगड़ी समझ में आई सर। जड़ से भी बता सकते हैं कि ये एक बीज पत्री है या द्विबीज पत्री है, कैसे बताएंगे सर। देखिए आज ही जाइए बाजरे का पेड़ देखिए मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि अभी फसल बाजरे की चल रही है। बाजरे की जड़ में क्या होता है सर, यहां पर एक जड़ होती है, फिर वहां से जड़ें निकल जाती हैं, देखिए फिर उससे जड़ें निकल जाती हैं, फिर उससे जड़ें निकल जाती हैं, कोई यहां पर एक मूल जड़ नहीं होती है मेरे प्यारे मित्रों। देखा हो तो देखिए प्रॉपर इस जड़ को, गौर से देखिए, मजा आ रहा होगा आपको सेशन में। यहां से जड़ निकलेगी, फिर यहां से भी निकलेगी, फिर यहां से भी निकलेगी, ऐसे निकलती है सर। गेहूं का पौधा आप देखिए, कभी यहाँ गेहूं होने वाला है अब रबी की फसल में, ठीक है, अभी तो खरीफ की फसल चल रही है।
यहाँ पर क्या होता है, द्विबीजपत्री में आम का पेड़ देखा है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ एक मूसलाधार जड़ होती है, बहुत सारी, देखिए ऐसे इसी मूल जड़ से छोटी छोटी सी जड़ें निकलती रहती हैं। मुद्दा समझ में आया, इसे ही मैंने जूम करके दिखा दिया है मेरे प्यारे मित्रों, देख लेना। अब यहाँ दो भागों में डाइकॉट है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ जड़ कैसी है देखिए, यहाँ से देखिए अलग फिर अलग निकली, यहाँ एक मूल मोटी सी जड़ होती है, यहाँ से छोटी छोटी सी रेशे से निकलते रहते हैं। यहाँ ये समझदार नहीं है वास्कुलर बंडल में, ये वास्कुलर बंडल समझ में आया। हाँ सर, ये जो दिख रहे हैं ना ये छुट्टे छुट्टे से, यही जाइलम और फ्लोयम के बंडल हैं, ये व्यवस्थित क्रम में होते हैं डाइकॉट में। अब ये पत्ती दिख गई आपको, बाजरे की पत्ती, जाकर के देखिए यहाँ पत्ती कैसी होती है। यहाँ मेरे प्यारे मित्रों पुष्प 3 के मल्टीपल में होता है, यहाँ पुष्प 5 या 4 के मल्टीपल में होता है। मुझे आशा है कि आपको वाकई में आनंद की प्राप्ति हुई होगी, ठीक है ना। ये मैंने सब सिखा दिया आपको, मैंने मेरे प्यारे मित्रों एक बीज पत्री द्विबीज पत्री में अंतर भी बता दिया। इनके बीजों में केवल एक बीज उपस्थित होता है, इनकी जड़ें प्राय अधिक विकसित होती हैं एक बीज पत्री की मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। इनके पुष्पों के भाग 3 या 4 के गुणांक में होते हैं एक बीज पत्री में। इनके बीजों में द्विबीज पत्र उपस्थित होते हैं, ये सब दिखा दिया मैंने। इनके पुष्पों के भाग 4 या 5 के गुणांक में होते हैं, सब बता दिया है। आइए मेरे प्यारे मित्रों अब हम बात करते हैं आज पुष्प की, क्योंकि मुझने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फ्लावर पढ़ाऊंगा। यदि मैंने सारा पौधा पढ़ा दिए, यदि मैंने पुष्प नहीं पढ़ाया तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब ध्यान से आपको देखना, इसके बाद मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, सारा ज्ञान आपके माइंड में स्टोर करने का काम जरूर करूंगा, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। जितना भी आप सारा कुछ देखते हैं ना, ये सब खेल तो फूल का ही है। ये फूल किसका है पहले तो ये बताएं। सर ये तो गुड़हल का दिख रहा है, हमने कहा ठीक है। यदि गुड़हल का पुष्प देखा हो तो थम्स अप कर देना पहली बात तो, ठीक है। अब आपको तसल्ली से देखना है, सर ये सेक्सुअल काम होता कैसे है, ध्यान से समझे, बाउंस जा सकता है आपके, पहले से बता दे रहा हूं। यदि आप कंसंट्रेट होकर के समझेंगे तो मुद्दा समझ में आएगा मेरे प्यारे मित्रों। मेरा पेन देखिए ध्यान से, जिस जगह पर ये स्टिग्मा दिखा है ना, ध्यान से समझे एक चीज मेरे प्यारे मित्रों, में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपको पूरा माइंड यही कंसंट्रेट करके समझना है, क्योंकि यहाँ वीडियो में दिखाने जा रहा हूं अभी, वो समझ में आएगी आपके तभी। यो सर जो दिख रहा है ना आपको ये आकृति, जैसे यहां से देखिए ध्यान से, इस जगह से लेकर के ये वाली पूरी जगह, इसे सर 3 भागों में बटी होती है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। मैं शायद ये बना तो नहीं पाऊंगा, बट मेरी ये कला सर, ये वाली जो दिख रही है ना, यही वाली, ये 3 भागों में बटी होती है सर। ऊपर वाले को स्टिग्मा कहते हैं, जिसे हम हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, समझ में आई। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए इधर ये स्टाइल लिखा है, जिसे हम वर्तिका कहते हैं, दूसरा भाग हुआ। तीसरा भाग मेरे प्यारे मित्रों ये वाला देखिए, मेरा पेन गौर से देखिए, ये ओव्यूल होता है। ओव्यूल बोले तो सुना सुना सा नहीं लग रहा सर, ये तो मैंने बताया था सर, जब मैंने सेल डिवीजन पढ़ाया था, जो महिला में ओवरी होती है सर, ठीक है। ये सर ओवरी है, देखिए ओवरी कहां पर है, अंडाशय है। महिला में अंडाशय होता है, पुरुष में स्पर्म होता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये कैसे काम करेंगे, मजा तो आएगा अभी देखना, मजा तो आना बाकी है अभी। इसके कितने भाग हुए, 3 भाग हुए। एक पहला कौन सा हुआ, स्टिग्मा हुआ, दूसरा स्टाइल हुआ, तीसरा मेरे प्यारे मित्रों बोले तो ये ओवरी या ओव्यूल हुआ। 4 भाग होते हैं वैसे तो, ओवरी या बीजांड मिलता है, फिर ओवरी में जाकर के आराम से गर्भावस्था में भैया बीज बनने लगता है, ठीक है सर। फिर एक बात बताओ, यहाँ मेल कहाँ से आया सर, हमने कहा हाँ यही तो मुद्दे की बात है सर, जब तक मेल और फीमेल नहीं मिलेंगे भैया काम बनेगा ही नहीं मेरे प्यारे मित्रों, ये आप सब जानते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया भी चल रही है ना, ये मेल और फीमेल से चल रही है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझ लेना। ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है ना आपको, ये वाला मेल सिस्टम होता है, मां समझ में आई कि नहीं। अरे सर गजब बात कर दी,
हमने कहा यही जो स्टिग्मा स्टाइल वाला ये फीमेल होता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। जो आपने गुड़हल का पुष्प देखा हो, यदि मैं एक मिनट आपको ये वाला पुष्प दिखाऊं, तो ये वाला जो दिख रहा है ना आप, मैं पेन को चेंज करता हूं जरा, क्योंकि मैं भी सर आज फुल जोश में सिखाने के लिए आया हूं, तभी छोड़ूंगा। देखिए ये वाला जो आपको गुंडी सी अलग दिखाई दे रही है ना, यही सर क्या है बताइए मेरे प्यारे मित्रों, ये फीमेल है, याद कर लेना। यही तो बाहर निकली है, जैसे महिलाओं के मासिक धर्म चक्र में ये भैया जो ओवरी महिलाओं का होता है वो स्पर्म से क्रिया करने के लिए तैयार होता है, इसी तरीका से मेरे प्यारे मित्रों ये भी क्रिया करने के लिए मेल से तैयार हो जाता है। अरे सर ये तो इतनी गजब की बात आपने, मैंने कहा ये ज्ञान कभी नहीं मिलेगा, मुद्दे की बात समझिए। तो ये बात समझ में आई आपको आज, फूल में मेल का होता है और फीमेल का होता है। हाँ सर, ये वाला मेल है क्योंकि ओवरी फीमेल में, सॉरी यहाँ फीमेल है ये मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। ये वाला पूरा का पूरा मेल सिस्टम है, याद कर लेना, जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं, पॉलन ग्रेन जिसे हम पराग कड़ कहते हैं, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। सर ये क्रिया करते कैसे हैं ये बताओ, हमने कहा हाँ बताते हैं ना। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, पुष्प दो तरीके से होते हैं। सर दो तरीके से कैसे, मैंने कहा एक तो ये उभयलिंगी होते हैं, एक मेरे प्यारे मित्रों ये एकलिंगी भी होते हैं। एकलिंगी बोले तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए, जितने भी इसमें तो मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है, ये फीमेल है ये वाला ओवरी वाला, और मेरे प्यारे मित्रों इसमें मेल भी है, ये तो क्रिया कर लेंगे। बट ऐसे भी पुष्प होते हैं जो एकलिंगी होते हैं, या तो वो मेल होंगे या तो वो फीमेल होंगे। फिर सर वो कैसे सेक्सुअल काम करते हैं, हमने कहा एक एक करके सब बताएंगे, पहले इसे समझे। यहाँ क्या हुआ सर, ये वाला मेल वाला पोर्शन था, इन्होंने स्पर्म बनाया सर परागकण से, यहां से सर एंथर से बनाया मेरे प्यारे मित्रों, यही पराग जिसे हम पुंकेश्वर कहते हैं हिंदी में, यहां से स्पर्म निकलता है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझे, एंथर याद करिए एंथर को, यहां से स्पर्म निकलता है। सर एक बात बताओ फिर हमने, ठीक है, ये स्पर्म ये स्टिग्मा पर पहुंचता कैसे है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, रिलेट करिए मानव पर सारी चीजों को, ठीक है। ये जो एंथर है सर, ये जो मानव का स्पर्म है, ये सर मेल का जो स्पर्म है सर, जिसे हम एंथर बोल दीजिए, या इसे सर पुंकेश्वर के पुंकेश्वर से निकलता है, ये सर पहले तो स्टिग्मा पर जाना चाहिए, यहां जब ये मिलेगा तभी तो अंदर इस ओवरी में जाएगा, याद करिए मेरे प्यारे मित्रों। हाँ सर, अब ये तो आपने ऐसे देखा है, बट ये क्रिया होगी कैसे, हमने कहा समझना आप ध्यान से। तब मेरे प्यारे मित्रों इंसेक्ट की जरूरत पड़ती है, इंसेक्ट बोले तो कीटे कीट मकोड़ों की जरूरत पड़ती है। अरे सर तभी लिखा था आपने जानवर, हमने की हाँ याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, याद करिए। कोई भी जानवर आया या सर कोई भी कीट आया, और कीट आकर के रिलेट करिए चीजें, इस पुंकेश्वर पर आकर के बैठ गया, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, इस पुंकेश्वर पर आकर के बैठा तो इसने तो स्पर्म बनाया था, और इसने अपने कीट ने पैरों में स्पर्म को लिया और भैया उड़ने लगा, उड़कर के जाकर के इस स्टिग्मा पर बैठ गया, और इसी स्टिग्मा पर आकर के छोड़ दिया। मुद्दे की बात समझ में आई हो तो भैया वाह वाह के कमेंट आ जाने चाहिए। पहली बार यदि आप पुष्प का सेक्सुअल काम सीख रहे हो तो मेरे प्यारे मित्रों इतना ज्ञान फ्री में कोई नहीं देगा आपको, पैसे देकर नहीं देगा, फ्री में तो देगा कौन, बट ये सुशील परिवार की शुरुआत है, इस वजह से मैं सिखा रहा हूँ। आपके बाबा के कमेंट नहीं आए तो सर मनोबल आप जानते हैं कितनी मेहनत से सारी चीजें सीखी जाती हैं, तब सिखाई जाती हैं आपको, ठीक है, कहाँ से ज्ञान लाया जाता है। तो समझ आया मैंने आपको क्या बताया था, जानवर का काम होता है सर, ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं यही पुष्प में सेक्सुअल का काम करते हैं। अब मुद्दा समझ में आया कि नहीं बताइए मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि जो एंथर बोलते हैं ना सर, ये मेल वाला होता है, ये आराम से क्या बना लेता है स्पर्म, अब ये सर स्पर्म जाएगा फीमेल के पास, फीमेल तो है सर ये स्टिग्मा, यहाँ छोड़ देता है जाकर के, जैसे ही पक्षी बैठा यहाँ पर
कीट बैठा मेरे प्यारे मित्रों और अपने पैरों में दबा करके स्पर्म लाया था और इस पर बैठा, वैसे ही स्पर्म छूट गया। जैसे ही छूट गया, इधर तो भैया फीमेल था, इधर फीमेल तैयार थी स्पर्म के लिए कि कभी स्पर्म आए। जैसे ही स्पर्म आ जाता है तो आगे बढ़ने लगता है और धीमे धीमे स्टाइल में आने लगता है। बात समझ में आई है? जो नली सी दिख रही है यही फीमेल में भी होता है मेरे प्यारे मित्रों, जिसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों फेलिपियल, वो बोलते हैं क्यूब, वो सर बोलते हैं ट्यूब बोलते हैं, फेलिपियल ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेरे प्यारे मित्रों इसे स्टाइल में आने लगता है। जैसे ही धीमे धीमे स्टाइल से ये नीचे आने लगता है ना, यही ओव्यूल में आने लगता है और ओवरी में मेरे प्यारे मित्रों आराम से बीज का निर्माण होने लगता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब मेरी बात समझिए ध्यान से। अब आपके माइंड में सवाल बनने लगा, सर फिर एक बात बताओ, एक बीज पत्री कैसे काम करते हैं? मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ। आपने पपीता खाया है, बताइए। अरे सर गजब बात कर दी, पपीता खाया नहीं, पपीता देखा भी है। हमने कहीं नहीं देखा आपने कभी? सर पगला गए आप तो। हमने कहा जी हाँ। मेरे प्यारे मित्रों आपने यदि पपीता देखा हो तो आपने ये भी कहते देखा होगा, यदि आपको जानकारी नहीं है ये अलग मुद्दा है तो थम्सअप करके बताइए, पहली बार सीख रहे हैं। पपीते का पेड़ आपने देखा हो तो आपके माताजी पिताजी कहते हैं यार, और बहुत सारे लोग कहते हैं बुजुर्ग, पपीता फल नहीं दे रहा है। अरे बुद्धिजीवी हो, पपीता फल देगा कैसे? वो एक लिंगी है। यदि आपने कोई मेल पपीता लगा दिया ना तो भैया फीमेल कहाँ से आएगा, फल कैसे देगा बताना। यदि आपने कोई फीमेल पपीता लगा दिया तो मेल कैसे आएगा? अब जिसने भी पढ़ा है तो वो क्या काम करता है पता है ना मेरे प्यारे मित्रों, दो पपीते के पेड़ लगाता है, शायद उसमें कोई फीमेल और मेल मिल जाएंगे तो पपीता बहुत सारा आएगा। याद कर लेना, मुद्दा समझ में आया हो तो वाह वाह के कमेंट आ जाना चाहिए मित्रों। मैं भी आज फुल जोश के साथ आपको पूरी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, सेशन लंबा है कोई दिक्कत नहीं है। ये तसल्ली वाला परिवार है सर, डिटेल में नहीं पढ़ाया, बताइए मैंने आपसे कहा था। तो पपीता तभी फल नहीं देता, याद आया। सर फिर करते कैसे? हमने कहा हाँ, उनके बीज जो एक लिंगी होते हैं वो मेरे प्यारे मित्रों हवा के माध्यम से, बहुत सारा ये जो होते हैं ना कीटे मकोड़े, ये हवा के साथ स्पर्म लाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब आइए मेरे प्यारे मित्रों, ये जो पेटल दिख रहा है ना, पेटल बोले तो पेटल, याद करिए इन चीजों को सर, आप जानते नहीं है बताइए। पेटल ये पत्तियां होती हैं जिसे हम दल कहते हैं, ये सर इस सेपल होता है, बहादल आपने देखा होगा, जो पत्तियां होती है उनके नीचे ये सेपल लगे होते हैं पत्तियों को वर्षा करने के लिए मेरे प्यारे मित्र, ठीक है ना। ये मेरे प्यारे साथियों नीचे ये रिसेप्टेक्टल होला होता है, ठीक है ना। वन सेकंड रुकना मेरे प्यारे मित्रों, वन सेकंड, क्योंकि आप जानते हैं सर म्यूजिक इतना चलता है, बड़ी दिक्कत है सर मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। वन सेकंड प्लीज होल्ड करना है। सर सारा काम तो मेरे प्यारे मित्रों, सारा का सारा मुद्दा ये साउंड वाले खराब कर देते, मेरा तभी जोश बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। मैं इतनी मेहनत करने के बाद आवाज जाए, ठीक है, ये बात समझ में आई मेरे प्यारे मित्रों। चलो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सिखाता हूँ, मुझे आशा है कि सारा काम आपको समझ आया होगा। चलिए सर मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको मेरे प्यारे मित्रों। सर जानते हैं आप गांव में हैं तो दिक्कत हो सकती है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, आवाज आ सकती है, बहुत सारी मवेशियां भी होती हैं यहाँ गांव में। देखिए ध्यान से एक एक चीज, चार मिनट का सेशन है मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉपर देखना। यहाँ देखिए इसे क्या बोलते हैं, तितली बोलते हैं। ये पुष्प पर आई, इसका जो व्हाइट व्हाइट निकला इसका मतलब है ये फीमेल है। इसने क्या लिया सर, इसने मेल से स्पर्म लिया और ये सफेद जो दिख रहा है ना अलग से निकला हुआ मेरे प्यारे मित्रों यहाँ बैठेगी। एक एक चीज को समझना, देखिए स्टेमा, मजा ना आ जाए तो कहना मेरे प्यारे मित्रों। फीमेल रिप्रोडक्टिव बताएंगे अभी, समझिए ध्यान से एक एक चीज को रिलेट करिए। देखिए मैं रोक रोक करके बताऊंगा आपको, मैं पेन तो यहाँ नहीं मिलेगा सर, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये येलो कलर का, अब समझ में आया। ये वाला मेरा देखिए कर्जर जहाँ चल रहा है, ये फीमेल है, ये वाला मेल है सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, बाइसेक्सुअल काम होता है यहाँ पर, यहाँ मेल फीमेल दोनों है सर।
देखिए ये पेड़ तो आप जानते हैं ना, ये किसका है? अरे सर जानते हैं, मका का है सर। यहाँ मेल और फीमेल दोनों है। अब समझ में आया होगा आपके, मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। चीजें क्लियर हो रही हो तो समझ, मेरे प्यारे मित्रों कमेंट तो आने चाहिए बाबा के। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये, देखिए मेल फीमेल। ये मका का दिखा आपको, ये क्यूकम्बर है जिसे आप ककड़ी कहते हैं। देखिए ध्यान से एक एक चीज मेरे प्यारे मित्रों, मेंटेन करना है। क्या करें भाई, ये साउंड वाले मानते नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, ये जो मैंने मेल बताया था उसके ये एंथर बताया था, एंथर। और ये देखिए फिलामेंट भी होता है। पोलन ग्रेन कैसे होते हैं याद कर लेना, पोलन ग्रेन अभी बताए थे। इसी में मेरे प्यारे मित्रों ये मेल गैमेट्स होते हैं पोलन ग्रेन में। ये क्या है सर, ये मेरे प्यारे मित्रों मैंने बताया था यही फीमेल है। इसके तीन भाग बताए थे, देखिए तीन भागों में बटा है मेरे प्यारे मित्रों। स्टिग्मा कहते हैं जहां आकर के स्पर्म मिलता है, ये स्टाइल है। ये वाला मेरे प्यारे मित्रों ओबरी है, ये देखिए इसी ओबरी में ये ओव्यूल्स है, यहीं पर ये बीज बनते हैं। देखिए इतना ज्ञान कोई दे दे मेरे प्यारे मित्रों आपको वीडियो के माध्यम से, बट आप इस सेशन का महत्व नहीं समझते हैं। ये देखिए क्रिया हो रही है मेल और फीमेल की। देखिए मेरे प्यारे मित्रों कैसे मिलते हैं ये स्पर्म और मेरे प्यारे मित्रों अंडाशय, मेल गैमेट्स कैसे मिलेगा ये फीमेल से। देखिए दोनों लिखा है मेल और फीमेल। देखिए ध्यान से ये क्रिया ऐसे होती है, तब ये जाइगोट, जाइगोट का मतलब होता है निषेचन की क्रिया, जिसे हम सेक्सुअल काम कहते हैं। पोलन ग्रेन मैंने बताया था मेरे प्यारे मित्रों, देख लेना एक एक चीज को ध्यान से। देखिए ध्यान से इस फोटो को ध्यान से देखिए, इसी वाले मेल से निकल रहे हैं और कहां पर जा रहे हैं, फीमेल के पास जाते हैं मेरे प्यारे मित्रों, देख लेना ध्यान से। देखा समझ में आया मेरे प्यारे मित्रों कैसे जाते हैं फीमेल के पास। यदि ये मुद्दा समझ में आया हो तो भैया वाह के कमेंट आ जाने चाहिए। अब इस देखिए पक्षी को, इस तितली को, कीट को मेरे प्यारे मित्रों कैसे जाती है उड़ उड़ के। देखिए यहां से लिया और कहां जाएगी, समझ में आया। अब तो भैया इससे देखिए, अब ये जो जैसे ही मिला स्टिग्मा के पास, अब ये किस में जाने लगा, स्टाइल में जाने लगा। आप देखिए ध्यान से, इसे स्टाइल कहते हैं। अब ये ओबरी में आ गया मेरे प्यारे मित्रों। अब देखिए मैंने जूम कर दिया उसी ओबरी को, अब यहाँ पर आया ओब्यूल के पास, ये फीमेल तैयार है यहाँ पर। ये देखिए ध्यान से कि गौर को, अब यहाँ ये जाइगोट बनेंगे दोनों का दोनों, निषेचन की क्रिया यहीं पर होगी मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। यही फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए ये तैयार बिल्कुल हुआ ना ये। अब ये आराम से ढकने लगा है, यही ढक जाएगा क्योंकि निषेचन हो चुका है, अब यही बीज बन जाएगा। मुद्दा समझ में, जैसे ही बीज बना मेरे प्यारे मित्रों, देखिए वहां क्रिया हुई, क्रिया होने के बाद आराम से बीज ढकना ढका, जैसे हमारे गर्भाशय में मेरे प्यारे मित्रों होता है, ठीक है। वैसे ही ये पत्तियां झड़ने लग जाती हैं, क्योंकि भैया अब गर्भ अवस्था में चल रहा है पौधा, तो पत्तियां झड़ने लगती हैं। और ये सफेद में क्या पल रहा है, ये बीज पल रहा है, याद कर लेना। मुद्दा फ्रूट बन गया मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे काम बनता है क्या सर? कमेंट कैसे करेंगे आप बताओ मेरे प्यारे मित्रों, वाह के कमेंट आएंगे कि सर ये बीज बन गया, इसी बीज को सर हम खाते हैं, याद कर लेना, यही बीज हम यहाँ डालते हैं। मुद्दा बताइए सर, क्या आया समझ में? ये सारा का सारा ज्ञान मेरे प्यारे मित्रों टेलीग्राम पर हमारे पर मिलेगा, सुशील स्टडी पर। जब ये सेशन अभी और लंबा जाएगा, अभी तो पढ़ाएंगे
क्या चुकंदर, क्या शकरकंद, क्या होती है सर सत्य फल, क्या होते हैं असत्य फल, कोई नहीं सिखाएगा, वायदा कर दिया है पूरा करेंगे। मिलेंगे सर कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए मस्त रहिए, बाय बाय। प्यारे प्यारे कमेंट अब आ जाने चाहिए, ठीक है सर। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।